हेलो एवरीवन, आई एम हीरा लाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि बहुत अच्छा चीज़ लिखा हुआ है वर्ड मीनिंग का भंडारा। देखिए ये चीज़ लिखा हुआ वर्ड मीनिंग का भंडारा। भंडारा क्यों कहा जा रहा है इसको, इसलिए आप लोगों को याद रखें कि कोई भी चीज़, चाहे इंग्लिश का ग्रामेटिकल पोर्शन हो किसी भी चीज़ में, ठीक है, उसका बेस जो होता है कि वर्ड मीनिंग होता है। ठीक है, वर्ड मीनिंग कहने का मतलब हो गया कि जो चीज़ आपका मीनिंग थोड़ा बहुत उसका आना चाहिए, तभी कोई भी चीज़ में आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को सुपर थर्टी वर्ड मीनिंग का भंडारा सीरीज जो है कि यह चलेगा। ठीक है, आप लोग वेट कर रहे हैं फोनेटिक्स और सिलेबल का, बहुत ही जल्द, ठीक है, यानी कि आज मंडे सोमवार है, आप लोगों को बुधवार को, ठीक है, एकदम फोनेटिक्स का दंगल क्लास चलेगा, एक घंटे से ज़्यादा लाइव का क्लास होगा। तो आप लोग लाइव आना नहीं भूलिएगा, जितने भी यूट्यूब के बच्चे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, सभी बच्चे के लिए मैं खुलेआम बता रहा हूँ कि आप लोगों को वेडनेसडे को शाम के 8 बजे, यानी कि वेडनेसडे रात 8 बजे आप लोगों का फोनेटिक्स का भंडारा, यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक चलेंगे उसको लेके, और सिलेबल भी उसमें हो जाएगा, स्ट्रेस भी, यानी कि जितना भी हो जाएगा फोनेटिक्स से रिलेटेड वगैरह, टोटल चीज़ हम लोग एक ही वीडियो में देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वेडनेसडे को आना लाइव मत भूलिएगा, नहीं तो एग्ज़ाम का सबसे बड़ा चीज़ छोड़ दीजिएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं वर्ड मीनिंग का भंडारा सीरीज नंबर 1 में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में जो लिखा हुआ, देखिए कहिएगा कि सर वर्ड मीनिंग पढ़ने से क्या होगा। वर्ड मीनिंग पढ़ने से आपका, देखिए एग्ज़ाम में पूछा क्या क्या जाता है, एग्ज़ाम में जो है कि आपको पूछा जाता है क्या चीज़ करेक्ट स्पेल से 5 क्वेश्चन, वो भी इसमें मिल जाएंगे। दूसरी बात, आप लोग वन वर्ड सब्चुएशन सुने होंगे, वन वर्ड सब्चुएशन भी इसमें आ जाएगा। साइनोनिम्स सुने होंगे, साइनोनिम्स भी आ जाएगा। एंटोनिम्स सुने होंगे, एंटोनिम्स भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी वर्ड आएगा जिसे कि आइडम एंड फ्रेजेस कहते हैं, वो भी वर्ड इसमें आ जाएगा, देखने के लिए मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए इस सीरीज़ को भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चूँकि सिर्फ BCECLE एग्ज़ाम के लिए नहीं, बहुत सारे चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगी आपके। तो चलिए, मेन पर्पज़ हम लोगों को है BCECLE को टारगेट करना, तो आइए हम लोग टारगेट करते हैं 30 से। ठीक है, नंबर 1 लिखा हुआ है डिस्पूट। क्या लिखा हुआ है नंबर 1 में, लिखा हुआ है डिस्पूट। डिस्पूट का स्पेलिंग होता है DISPUTE। डिस्पूट का मतलब होता है प्रतिपाद, यानी कि प्रतिवादन करना। प्रतिवादन कहने का मतलब है कि झगड़ा के सेंस में जो होता है कि उसके जस्ट अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई करना। ठीक है, नंबर 2 में लिखा हुआ सिक। सिक का मतलब होता है चाहना, SEE सिक। सिक का मतलब होता है चाहना। ठीक है, अब देखिए 3 में लिखा हुआ इम्पल्सिव। क्या लिखा हुआ, इम्पल्सिव। IMPULSIVE इम्पल्सिव का मतलब होता है आवेगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को प्रदान करना, देना। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ टार्निश। अब देखो ये वर्ड को स्टार लगा लेना, टार्निश। देखो TARNISH टार्निश। टार्निश कहने का मतलब होगा कि कोई भी चीज़ ख्याति प्राप्त किए हुए उस पर कलंक लगाना, यानी कि सिंपली रूप से कह सकते हो कलंक लगाना। ठीक है, अब देखिए टार्निश का अगर आपको साइनोनिम से पूछा जाए तो टार्निश का साइनोनिम्स होता है ब्लेमिश। देखिए जो कि मैंने सबसे लास्ट में लिखा था, यहाँ से संजोग से आपको देखने के लिए भी मिल गए, टार्निश ब्लेमिश। ब्लेमिश क्या हो जाएगा, BLEMISH ब्लेमिश। ब्लेमिश का मतलब भी क्या होता है, कलंक लगाना, यानी कि साइनोनिम्स। देखिए 2 वर्ड का एक जैसा मीनिंग मिल गया। ठीक है, आप लिख सकते हैं नोटबुक में, क्या लिखेगा, टार्निश कोमा ब्लेमिश डैट इज इक्वल टू क्लेम एंड कलंक लगाना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ टर्मिनेट, इसको भी स्टार लगा लीजिए, टर्मिनेट TERMINATE टर्मिनेट। टर्मिनेट कहने का मतलब बर्खास्त करना, किसी को हटाना, यानी कि बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, टर्मिनेट। अब देखिए इसका अगर साइनोनिम्स पूछा जाए, टर्मिनेट का साइनोनिम्स होता है इंड। टर्मिनेट इंड, खत्म करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ रेज, RAISE रेज। रेज का मतलब होता है पालन पोषण करना। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है मोडिफाई, MODIFY, मोडिफाई। अब देखिए कोई भी आप सामान खरीदते हैं, मोडिफाई कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें मोडिफाई करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ में आप क्या लाते हैं, चेंजिंग लाते हैं, डैट इज परिवर्तन लाते हैं, तो उसको कहते हैं मोडिफाई, परिवर्तित करना। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ ग्रेप्स, GRASP, ग्रेस्प होता है, ग्रेस्प का मतलब भी होता है ग्रहण करना, ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ को लेना, ग्रहण करना। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है एम्बेडेड, क्या लिखा हुआ, एम्बेडेड को स्टार लगाइएगा, एम्बेडेड का मतलब होता है निहित, यानी कि उसके अंदर में होना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ मिमिक, MIMIC, मिमिक का मतलब होता है नकल करना, लेकिन ओरिजिनल में क्या था, मिमिक्रिक कहते हो, मिमिक्रिक कर रहा, लेकिन होता है मिमिक करना, ठीक है, क्या होता है MIMIC, मिमिक मतलब नकल करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ एडॉप्ट, ADOPT, एडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल बनाना, अपने अनुसार चलना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ टीमिड, TIMID, टीमिड का मतलब होता है डरपो। डेस देखिए यहाँ से नेक्स्ट लिखा हुआ है डिसेपरेटली, क्या लिखा हुआ, डिसेपरेटली, देखिए सेपरेट कहने के, डिसेपरेटली कहने का मतलब कि बुरी तरह से फंसना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए देखिए यहाँ से फ्लटर लिखा हुआ है, फ्लटर को डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो भी लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, फ्लटर का वो भी कोरेक्ट स्पेलिंग में पूछा गया था, फ्लटर का मतलब होता है फरफराना, FLUTTER, फ्लटर का मतलब होता है फरफराना, तो ये फ्लटर को आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको घेर के नोटबुक में क्या कर सकते हैं, बॉक्स में बना के रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, 16 में देखिए लिखा हुआ है सर्पेंटाइन, क्या लिखा हुआ है, सर्पेंटाइन, SERPENTINE, सर्पेंटाइन, सर्पेंटाइन का मतलब होता है घुमावदार, ठीक है। अब कहिएगा कि सर ये चीज़ क्यों लिखा है, इसके लिए जब आप स्नेक का, ठीक है, स्नेक का जब आपसे कोई पूछेगा क्या चीज़ एडजेक्टिव पूछेगा, तो वहाँ पे आपको सर्पेंटाइन टिक करना होगा, सर्पेंटाइन ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए इसको भी बॉक्स में बना के नोटबुक में रख लीजिएगा, स्टार नो प्लस बॉक्स बनाइएगा, क्योंकि इसलिए बता रहे हैं इस तरीके से, कोई ये सीक्रेट चीज़ आपको नहीं बताएगा, पढ़ने का तरीका नहीं बताएगा, जिसको जिस तरीके से कह रहे हैं ना उस तरीके से करिएगा, क्योंकि देखिए जो चीज़ पूछा गया है बॉक्स में, जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार लगा दिए, तब जब आप नोटबुक खोलिएगा एग्जाम के समय में तो क्या कीजिएगा, सिर्फ उसी वर्ड पर आपका ध्यान जाएगा, इसलिए आपको अभी से ही हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ 17 में सेरेन, SERENE, सेरेन, उसका लिखा हुआ काम, CAME, काम, देखिए इसका मतलब होता है शांत, गंभीर, ठीक है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसमें से साइनोनिम्स, सेरेन का साइनोनिम्स क्या होता है, काम होता है, सेरेन काम, शांत, गंभीर, ठीक है। जो बच्चे SSC का एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि ये सभी चीज़ कितने बार वर्ड रिपीटेड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बढ़ते हैं 18 में क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करने योग्य, CREDIBLE, क्रेडिबल मतलब विश्वास करने लायक, विश्वास करने योग्य। देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ कंक्लूसिव, क्या लिखा हुआ, कंक्लूसिव, CONCLUSIVE, कंक्लूसिव मतलब निर्णायक लेना, ठीक है, निर्णायक। देखिए 20 में लिखा हुआ है मैंडेटरी, MANDATORY, मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है कि जरूरी, आवश्यक, ठीक है। 21 में लिखा हुआ स्टडी, STADY, स्टडी मतलब होता है स्थिर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ 22 में लिखा हुआ क्लेटर, CLATER, क्लेटर, इसको यहाँ से स्टार लगा लेना, क्लेटर, क्लेटर का मतलब होता है खरखराहट। जब मैं आपको साउंड में लिखाया होगा कोई भी चीज़, साउंड जब पढ़ाया होगा कि जैसे एस कैसा साउंड निकालते हैं, काव कैसा साउंड निकालते हैं, गॉट कैसा साउंड निकालते हैं, तो उसमें से ये चीज़ आपको क्लेटर मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है ट्रेम्बलिंग, TREMBLING, ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, ठीक है, कांपता हुआ। तो नेक्स्ट देखते लिखा हुआ पोप आउट, POP, पोप, OUT, आउट, पोप आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है, क्या होता है बाहर निकलना, पोप आउट, बाहर निकलो, ठीक है। तो अब देखिए 25 से लेकर 30 तक क्वेश्चन जो दिया हुआ, ये भी बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पेड बैच में नहीं जुड़े हैं तो पेड बैच में ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज
एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अंतिम छोर की तरफ। लिखा हुआ ट्रैम्पल, टी आर ए एम पी एल ई, ट्रैम्पल, ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचलना, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ मिसचिफ, एम आई एस सी एच आई ई एफ, मिसचिफ, मिसचिफ का मतलब होता है नुकसान। नेक्स्ट लिखा हुआ बाय एंड बाय, अब देखिए ये बाय एंड बाय जो लिखा हुआ है, बाय एंड बाय का मतलब होता है कर्मशः, ठीक है। अब देखिए ये जो है कि आपका चला गया किस में, प्रोवर्ब, यानी कि जब हम लोग वर्ब वगैरह पढ़ते हैं, एडवर्ब पढ़ते हैं, उस तरीके से बाय एंड बाय कर्मशः धीरे धीरे चलना। देखो अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, जब आप देखिए इस सब को जो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बॉक्स में बना लीजिए, अप एंड डाउन का मतलब होता है ऊपर नीचे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ प्रीडिक्लेक्शन, प्रीडिलेक्शन, प्रीडिलेक्शन का मतलब होता है झुकाव, पसंद, ठीक है। अब देखिए एक आ गया यहाँ पर, क्या है 30 आज का लास्ट वर्ड लिखा हुआ प्लेसिड, पी एल ए सी आई डी, प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब भी होता है शांत, गंभीर। अब देखिए आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि साइनोनिम्स क्या होता है, साइनोनिम मतलब एक मिनी प्लेसिड, इसके अगर साइनोनिम्स कोई पूछा तो प्लेसिड के जगह हम लोग काम लिख सकते हैं या लिख सकते हैं सेरेन, एस ई आर ई एन ई, सेरेन, प्लेसिड, सेरेन, काम का मतलब होता है शांत, ठीक है। तो देखिए इससे कितना बेनिफिट मिल गया, यहीं पे देखिए 17 में लिखा है, तो ये चीज़ इसमें से आपको बहुत सारे क्या होंगे, साइनोनिम्स भी मिलेंगे, एंटोनिम्स भी मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलेंगे, यंग वंस भी मिलेंगे, बहुत हर तरह का वर्ड मीनिंग में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए सुपर 30 डोज जो है वर्ड मीनिंग का भंडारा में आना आप लोग नाम नहीं भूलिएगा। अगर आपको ये भंडारा अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।